हाँ जी, तो आगे हम लोग बात करेंगे कि जिंक जो है वो एक्वस एल्कली के साथ रिएक्ट करके हमारे पास जो है वो डाइहाइड्रोजन को फॉर्म कैसे कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उन दोस्तों को बता दूं जिन लोगों को एल्कलीज के बारे में नहीं पता, एल्कलीज जो हैं वो बेसिस होते हैं जो वाटर के अंदर क्या रहते हैं, सॉल्यूबल रहते हैं। ठीक है, तो एल्कलीज जैसे बेस हो गया NaOH, ये एल्कली है क्योंकि ये वाटर सॉल्यूबल है। ठीक है, तो यहां पे देखो जब ये जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है NaOH, तो यहां पे हमारे पास किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, Na2ZnO2 प्लस साथ में क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन गैस जो है फॉर्म हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखने में क्योंकि अभी तक हम लोग जो देखते आ रहे थे वो ये था कि जिंक एसिड के साथ रिएक्ट करके ही सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। यहां पे देखो जिंक जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके भी जो है वो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही जिसको बोलते हैं ऐसी रिएक्शन है, काइंड ऑफ एक्सेप्शन है कि कुछ ही पर्टिकुलर ऐसे मेटल्स हैं जो बेसिस के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं, एल्कलीज के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने नोट में लिखा हुआ है उन मेटल्स के बारे में, अगर आप ध्यान से फोकस करें तो हाइड्रोजन फ्रॉम एल्कलीज कैन बी प्रिपेयर्ड By using amphoteric metals, ठीक है, तो इकलौता जिंक ही नहीं है जो इस रिएक्शन में हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग सारे amphoteric metals जो यहाँ पे mentioned है वो जो है इस तरह की reactions में जो है हाइड्रोजन को liberate कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से focus करो तो जिंक जो है amphoteric metal है, aluminium जो है वो amphoteric metal है, टिन जो है वो एम्फोटेरिक मेटल है, लेड जो है वो एम्फोटेरिक मेटल है। ठीक है, अगर जिंक रिएक्ट कर रहा है इस तरह की रिएक्शन में तो किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, देखो Na2ZnO2, एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है तो NaAlO2, टिन रिएक्ट कर रहा है तो NaSnO2, लेड रिएक्ट कर रहा है तो ये सारे जो कंपाउंड्स आपके सामने मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है वो फॉर्म होते हैं जब भी ये एम्फोटेरिक मेटल्स जो हैं वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, बेसिस के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, होप आपको जो है ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि हम लोगों को हाइड्रोजन को किस तरह से प्रिपेयर करना है लैब के मेथड्स से। ठीक है, आप अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जो है वो जरूर कीजिए, दाब के लाइक कीजिए मेरे पेज को। ठीक है, नेक्स्ट जो है मैं और आगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करूंगा, तब तक के लिए सत श्री अकाल।